Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So today our topic of discussion is Article 54, Summoning and Propagation of Majlis-e-Shoora, the Parliament. But before starting my topic, if you people haven't subscribed to my channel yet, please subscribe and don't forget to press the bell icon for latest updates and information about this channel. So moving towards Article 54. Article 54 की क्लॉज 1 क्या कहती है दैट द प्रेजिडेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम समन ईदर हाउस और बोथ द हाउसेज ऑफ मजलिस ए शूरा इन जॉइंट सिटिंग टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंक्स फिट एंड मे ऑल्सो प्रोरोग द सेम कि प्रेजिडेंट किसी भी वक्तन फवक्तन पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज या किसी भी एक हाउस सेनेट या नेशनल असेंबली को समन करेगा मींस उसको इजलास बुलाएगा मीटिंग बुलाएगा या तो जॉइंट सिटिंग में या अलहदा अलहदा जॉइंट सिटिंग का मतलब क्या है कि अगर नेशनल असेंबली और सेनेट का इजलास इकट्ठा बुलवाया जाए तो उसे हम जॉइंट सिटिंग कहते हैं उस टाइम और जगह पर जिसको प्रेजिडेंट को लगता है कि वो टाइम ठीक है उस वक्त वो पार्लियामेंट का इजलास बुलाएगा क्लॉज टू क्या कहती है कि एटलीस्ट हर साल में नेशनल असेंबली के 3 सेशंस होने चाहिए और 120 दिन का डिफरेंस जो है वो इन 3 सेशंस के दौरान गैप आना चाहिए और इन 3 सेशंस के दौरान 120 दिन का गैप आना चाहिए आगे उसने एक एक्सेप्शन बता दी गई है कि नेशनल असेंबली जो है वो 130 दिन का टाइम बताया हुआ है कि एक 130 वर्किंग डेज के अंदर हर साल मिनिमम 130 डेज के अंदर काम करेगी ठीक है ऊपर पहले बता दिया कि हर साल में एटलीस्ट 3 सेशन होने चाहिए फिर आगे बता दिया कि तकरीबन 130 वर्किंग डेज के अंदर उन्हें काम करना चाहिए अब जो इजलास है उसका एक सेशन दो दो महीने भी चलता है तीन तीन महीने भी चलता है 3 दिन से ज़्यादा भी चलता है तो उस सूरत में उसने कह दिया कि 130 वर्किंग डेज तो उसने लाजमी काम करना है अब आगे उसने एक्सप्लेन कर दिया कि वर्किंग डेज से मुराद क्या है वर्किंग डेज में वो तमाम दिन भी इंक्लूड होते हैं जब पार्लियामेंट की कोई जॉइंट सिटिंग होती है ठीक है दो दिन से ज़्यादा वो उसके अंदर काउंट नहीं होगा जब असम्बली जो है वो मुलतवी हो जाएगी ठीक है दो दिन वो मुलतवी होता है तो उन्हें भी वर्किंग डेज के अंदर काउंट किया जाएगा लेकिन अगर दो दिन से ज़्यादा है तो उसे वर्किंग डेज में काउंट नहीं किया जाएगा ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 55 आर्टिकल 55 क्या कहता है वोटिंग इन असम्बली एंड कोरम आर्टिकल 55 को देखें तो सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए नेशनल असम्बली में जितने भी डिसीजंस पर वोटिंग होती है वो उसका डिसीजन मेजॉरिटी वोट्स पे बेस करता है जितने भी लोग वहाँ प्रेजेंट हैं अगर वो मेजॉरिटी वोट्स देते हासिल करता है कोई भी ऐसा मैटर तो उसका डिसीजन फाइनल डिसीजन कंसिडर किया जाएगा लेकिन जो बंदा कोरम को प्रिजाइड कर रहा है वो वोट नहीं कर सकता उसके पास ये राइट नहीं है कि वो वोट कर सके लेकिन एक एक्सेप्शन बता दिए कि वो किस सूरत में वोट कर सकता है अगर वोट्स इक्वल आ जाएं ठीक है अगर इक्वलिटी ऑफ वोट आ जाए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास किसी भी ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर हो रहा है नेशनल असेंबली के अंदर और उस वक्त कोरम में 20 लोग प्रेजेंट हैं ठीक है 10 लोग जो हैं वो एक बंदे के लिए वोट करते हैं और 10 लोग जो हैं वो दूसरे बंदे के लिए वोट करते हैं तो इट मीन्स कि यहाँ हमारे पास इक्वलिटी ऑफ वोट्स आ गई अब क्या होगा जब इक्वलिटी ऑफ वोट्स आएगी तो वो बंदा जो कोरम को प्रिजाइड कर रहा है लेट से स्पीकर है तो वो अपना वोट देगा ताकि इस इक्वलिटी ऑफ वोट्स को ख़त्म किया जाए और फाइनल डिसीजन तक पहुँचा जाए ठीक है क्लॉज टू क्या कहती है कि अगर किसी भी टाइम स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली की अटेंशन इस बात की तरफ ड्रॉ की जाती है मींस कि अगर उसकी तवज्जो इस बात की तरफ लाई जाती है कि इस वक्त जो कोरम प्रेजेंट है उसमें लेस देन 1/4 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ असेंबली प्रेजेंट है तो उस वक्त क्या करेगा स्पीकर के पास ये राइट है कि वो असेंबली को या तो मुलतवी कर देगा एडजर्न कर देगा या तो वो उसको मुअत्तल कर देगा सस्पेंड को उस वक्त तक सस्पेंड कर देगा उस वक्त तक जब तक एटलीस्ट 1/4 ऑफ द मेंबरशिप ऑफ असेंबली जो है वो प्रेजेंट नहीं होती सो ये था हमारा आर्टिकल 55